सो हे गाइस, इस वीडियो में आप देख सकते हो मेरा ट्रांसप्लांट का फर्स्ट डे कैसा था, मेरे पीछे डोनर एरिया से कैसे ग्राफ निकाले गए थे, और फिर 15 दिन बाद मुझे जो स्वेलिंग हुई थी, जो मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ था, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने 15-20 दिन तक लगातार, मतलब हर 2 दिन के ऊपर मैं अपने डिटॉल से रुई में शॉप करके फिर मैं पीछे से साफ़ किया करता था, ताकि मुझे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना होए, और मेरे को ऐसे बताया गया था कि करना है अपने। तो मैंने 15 दिन तक मैंने ऐसे किया, रुई से अपने पूरे डोनर एरिया को हर 2 दिन के बाद साफ़ किया करता था। और सच बताऊँ तो इसमें मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा होया करता था, और मैं सबके सामने ऐसे जब पट्टी करके जाता था तो सारे पूछते थे कि क्या हो गया क्या हो गया, और मक्खियाँ भी काफ़ी ज़्यादा लगती थी। फिर मैं लास्ट में ऐसे साफ़ करने के बाद ऐसे पट्टी से अपने पीछे डोनर एरिया को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया करता था, और पूरा दिन मैं ऐसे ही रहा करता था। तो देखने में तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता था, सारे पूछते थे क्या करवा के आ गया, और कुछ इस तरीके से मेरा लुक होया करता था पीछे से। और इसके बाद जो मेरी इस पीछे से, तो आपने कंडीशन देखनी है, और आगे से आप देख सकते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। या वीडियो में आगे देखो, ता ये देखो, ये वीडियो में मेरे इस इतने पार्ट में मैंने अपने डोनेशन वो करवाया था, ग्राफ लगवाए थे। और अगर आप जाओगे ग्राफ लगवाने के लिए, बाल लगवाने के लिए, ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो कुछ ऐसा आपके साथ होएगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना।